ये भी देख लेते हैं कि जो भी नतीजे आए हैं और ओवर द वीकेंड जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, एक बार आपको ये भी बता देते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस के नज़र आज कहाँ पर है? हाय गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट क्रेडिट स्वीस पर आई है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। याद रखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए थे शुक्रवार को और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 7,500 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट साइकिल में हम जो एक अप ट्रेंड देख रहे हैं उसके कारण अल्ट्राटेक सीमेंट को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। कोल प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है और इसी के चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे चलते हुए बढ़ सकती है। ग्रोथ रोड मैप काफ़ी स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है और वैल्यूएशंस भी हिस्टोरिक वैल्यूएशंस के अनुसार ही ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो के भी नतीजे आए थे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद और उसी के चलते दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। पहली क्रेडिट स्वीस, जहां उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 530 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस पहले 700 रुपीज़ पर शेयर का दिया था और वो अब घटाकर 530 रुपीज़ पर शेयर का कर दिया है। उन्होंने FY 2023-24 का EPS भी 10% से 11% से गिरा दिया है। दूसरी रिपोर्ट CLSA की आई है विप्रो पर ही, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 580 रुपीस पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स अंडर प्रेशर थे। उन्होंने FY 2023 और 2024 के EPS एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हम विप्रो में देख सकते हैं, ऐसा CLSA का मानना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक में थोड़ी सी म्यूटेड विजिबिलिटी है, अभी हमें पता नहीं है आउटलुक कैसा रहेगा और मार्जिन इस क्वार्टर में प्रेशर थे और आगे चलते हुए भी उसकी ट्रैजेक्टरी अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैल्यूएशन जैसा कि मैंने कहा विप्रो के रीजनेबल है और उसी के चलते ये दोनों रिपोर्ट आई है। इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि फोर्थ क्वार्टर FY 2022 में PPOP यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग थे इस क्वार्टर में और क्रेडिट कॉस्ट आगे चलते हुए नॉर्मलाइज हो सकता है। SBI कार्ड के भी नतीजे आए थे, मॉर्गन स्टैनली ने उस पर भी एक नोट निकाली है जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 1100 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी PPOP उनके एस्टिमेट से 10% ऊपर आया है और प्रॉफिट में भी 50% उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लासिक अर्निंग्स अप साइकिल अभी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है और क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे आगे चलते हुए क्वार्टर्स में और उसी के चलते इंडसइंड बैंक और SBI कार्ड दोनों को फ़ायदा हो सकता है। लास्ट में मारुति सुजुकी अभी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की एक नोट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 8,750 रुपीज़ पर शेयर का। मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल थी उसके हिसाब से ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे चलते हुए डिमांड इम्प्रूविंग ट्रेंड पर नज़र आ रही है। रॉ मटेरियल कंसर्न्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में बिकॉज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है, चाइना से जो सप्लाई आता है उसमें भी हम कोई डिस्टर्बेंस देख रहे हैं और उसी के चलते रॉ मटेरियल में हम थोड़ी डिस्टर्बेंसेस देख सकते हैं नियर टर्म में। रिस्क रिवॉर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के अनुसार मारुति का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। उन्होंने EPS एस्टिमेट्स बढ़ाकर 6% से बढ़ा दिया है FY 2023 के लिए। ये रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ पर मारुति पर, जहाँ उन्होंने 8,750 रुपीज़ का टारगेट दिया है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं और ज़्यादातर नतीजों पर आई हैं, तो आज यहाँ पर दिन भर हम चर्चा करते रहेंगे और हमारी नज़र भी इस पर बनी।